हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम एक टीवी बनाएंगे चाइना की, और इसमें प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट जो यहां पर आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, यह दोस्तों एक घंटे के बाद यह ट्रांजिस्टर हमारा जल जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है। टीवी जब चला रहे हैं जब एक घंटे के बाद जो है दोस्तों यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले मेरी बात पूरी तरह समझ लीजिए दोस्तों, हम इस टीवी को दो बार पहले बना चुके हैं। पहले प्रॉब्लम था कि इस टीवी में लाइट कम आ रहा था, पिक्चर काला आ रहा था, ठीक है। तो उस फॉल्ट को दोस्तों हम पिक्चर ट्यूब बेस बदल कर, यहाँ वाला बेस बदल कर ठीक कर दिए थे, और ठीक करने के बाद दोस्तों हम इस टीवी को दे दिए। यह टीवी चला, और टीवी दोस्तों डेढ़ घंटे चलने के बाद उनके यहाँ यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जल गया, और टीवी से गुरगुराहट की आवाज़ आने लगा, शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों टीवी हमारे पास दोबारा बनने के लिए आया, तो जब हम चेक किए तो हमको यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिला। तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, हम दूसरा न्यू ट्रांजिस्टर लगा दिए, और लगाने के बाद थोड़ा सा इधर उधर हम चेक कर लिए, और चेक करने के बाद इस टीवी को दोस्तों हम ओके कर और उनको कस्टमर को हम दे दिए। लेकिन दोस्तों हम इसमें ट्रांजिस्टर लगाए थे 1803, क्योंकि आज के डेट में सबसे बेस्ट ट्रांजिस्टर है और सबसे बढ़िया ट्रांजिस्टर है 1803, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन के लिए। तो दोस्तों जब हम दे दिए तो उन्होंने आके फिर हमसे दोबारा शिकायत किया कि टीवी हमारा एक घंटा चला है, और फिर से दोस्तों टीवी में वही प्रॉब्लम आ गया गुरगुराहट का। तो जब हम हमारे तो कहें कि ठीक है टीवी आप हमको दोबारा फिर दीजिए, तो जब यह टीवी हमारे पास फिर बनने के लिए आया तो दोस्तों हम इसको अच्छी तरह खोल के चेक किए तो हमको फिर से यही ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिला, यानी ये दोबारा ट्रांजिस्टर हमारा जल चुका है। पहले जला तो हम इसको बदल कर दे दिए, फिर यह जल गया एक घंटे के बाद। तो दोस्तों इसका इस हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर का शॉर्ट होने का मुख्यतः चार कारण है। फर्स्ट जो है हमारा 110 वोल्टेज, अगर 110 वोल्ट से सप्लाई ज़्यादा आएगा तो यह ट्रांजिस्टर दोस्तों हमारा जल जाएगा। दूसरा कारण है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है, यह पीएफ के लीक हो जाने, शॉर्ट हो जाने या फूल जाने के कारण दोस्तों ट्रांजिस्टर जल जाता है। और तीसरा कारण है दोस्तों ईएसटी के ख़राब होने से, ठीक है। और चौथा कारण है दोस्तों युग कॉइल खराब होने से, युग कॉइल के भी खराब होने से दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार जल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे हम ये पीएफ और ईएसटी। तो दोस्तों अगर हमारा ये पीएफ अगर शॉर्ट रहता तो एक घंटा नहीं चलता, 5 से 10 मिनट के अंदर दोस्तों यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। या आप नींव लगाएं और सप्लाई देते ही दोस्तों यह शॉर्ट हो जाता है, तो उस आवर में दोस्तों हमारा यह पीएफ ख़राब रहता है, ठीक है। ज़्यादातर यह पीएफ ख़राब होता है, और जब देर से जलता है आधा घंटा एक घंटे के बाद, तो उस स्थिति में दोस्तों हमारा ईएसटी में प्रॉब्लम आता है या तो युग कॉइल में। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इस पीएफ को निकाल कर, और पीएफ को कैसे चेक करते हैं वह दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि पीएफ को हम कैसे चेक करते हैं। तो इस पीएफ को चेक करने के लिए हमको सबसे पहले इसको हम सर्किट से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद दोस्तों हम इसको एसी सप्लाई में चेक करेंगे, एसी मेन सप्लाई में। तो वह कैसे चेक करते हैं वह दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से दोस्तों अच्छी तरह आप समझ पाइएगा। और वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज हमेशा मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पीएफ को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इसका चेक करने का आपको तरीका बताएंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ से इस पीएफ को जो रेड कलर का पीएफ था बाहर निकाल लिए और यहाँ पर रखे हैं, और देखिए एक हम प्लग पिन लिए हैं दोस्तों तार, और इसमें एक सिरे में दोस्तों देखिए इसको हम सोल्डिंग कर दिए हैं, दूसरा सिरा हमारा यहाँ है, और इस प्लग पिन को दोस्तों हम एसी मेन सप्लाई में लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसको एसी मेन सप्लाई में लगा देते हैं।
और एसी मेन सप्लाई में लगाने के बाद दोस्तों हम चेक करेंगे पीएफ पर कि हमारा एसी लाइन पास कर रहा है पीएफ से कि नहीं। देखिए ये हम मीटर रख देते हैं, ठीक है। और दोस्तों जब हमारा एसी लाइन पास करेगा तो मीटर में कांटा जो है हमारा शो करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, दिखाते हैं कैसे। और दोस्तों हम इसको एसी मोड में 250 के रेंज में रखे हैं, ठीक है। और कांटा वाला मीटर से हम इसको चेक कर रहे हैं, आपको डिजिटल मीटर से दोबारा चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो हम इसमें सप्लाई लाइन दे दिए और देने के बाद दोस्तों पहले सबसे पहले आप सप्लाई चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, एसी मेन सप्लाई आ रहा है। अब दोस्तों जब हमारा एसी मेन सप्लाई यहाँ पर आ रहा है तो पीएफ के दूसरे सिरे पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एसी मेन सप्लाई पास कर रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारा एसी सप्लाई यहाँ पर पास कर रहा है, हमारा जो है कांटा शो कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए, देखें, ठीक है। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा जो है पीएफ बिल्कुल सही है, पीएफ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर फूला हुआ होगा, लीक होगा, तब भी दोस्तों कांटा हमारा शो करेगा। तो उस स्थिति में दोस्तों आपको शक होने पर इस पीएफ को बदल देना पड़ेगा, न्यू लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों हम आपको डिजिटल मीटर से इसको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए डिजिटल मीटर, इसको भी दोस्तों हम मीटर को हम एसी मोड में सेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों दूसरे रेंज से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सप्लाई दे देते हैं, फिर से दोबारा सप्लाई दे दिए दोस्तों। और अगर ठीक होगा तो मीटर में हमारा हरकत होगा। इसका डायरेक्ट देखिए दूसरे सिरे पर हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए मीटर से हरकत हो रहा है, कांटा शो कर रहा है। डिजिटल मीटर में दोस्तों आपको इतने दिखाएगा, एकदम माइनर हल्का नामला। और वही दोस्तों अगर आप इसको कांटा वाला मीटर से शो कीजिएगा तो बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाएगा। सबसे पहले आप सप्लाई चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर एसी मेन सप्लाई आ रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ पर सप्लाई आउट करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारा सप्लाई आउट कर रहा है, हल्का सप्लाई आउट कर रहा है, बस दोस्तों इतने का काम रहता है। 1 से 2 वोल्ट की सप्लाई इस पर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों पीएफ तो ऐसे हमारा ठीक दिखा रहा है। ये तो हुआ डिजिटल मीटर। अब दूसरा एक और मीटर से दिखाते हैं, डिजिटल मीटर छोटा, अभी देखिए यह डिजिटल मीटर बड़ा। अब इससे दोस्तों आप इसको चेक करने का तरीका समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम 600 के रेंज में सेट किए, एसी मेन सप्लाई चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरे से दोस्तों आप 200 के रेंज में इसको सेट करेंगे, एसी 200 के रेंज में। और दूसरे सिरे से देखिए दोस्तों, देखिए हमारा जो है 1 से 1.5 वोल्ट यह सप्लाई दोस्तों आउट कर रहा है पीएफ, यानी यह हमारा पीएफ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हम करेंगे यह कि इस पीएफ को भी न्यू लगाएंगे यहाँ पर, और इस ईएसटी को भी दोस्तों हम न्यू लगाएंगे, ठीक है। दोनों को दोस्तों हम न्यू लगा देंगे, फिर न्यू टॉर्जेंटल आउटपुट ट्रांजिस्टर 18003 है उसको भी दोस्तों हम न्यू लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले आपको टीवी स्टार्ट करके दिखा देते हैं, इसमें दोस्तों गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए ये देख लीजिए कि दोस्तों हमारा यही आवाज़ है, टिक 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 टिक, आवाज़ आपको साफ सुना देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सुनिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखा देते हैं। यह दोस्तों हमारा शॉर्ट है, ये देखिए यहीं पर दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए इसको हम कंटिन्यूटी मोड में सेट कर देते हैं, ठीक है। और जब दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखाएगा तो दोस्तों इसमें से सीटी की आवाज़ और यहाँ पर दोस्तों मीटर में हरकत होगा और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 0 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिए, देखिए दोस्तों यह शॉर्ट दिखा रहा है, सारे पिन में दोस्तों यह शॉर्ट दिखा रहा है। अब दोस्तों हम मीटर का प्रोड उलट कर देखते हैं, तो देखिए दोस्तों उल्टा और सीधा दोनों साइड से यह शॉर्ट दिखा रहा है। अब नेगेटिव पॉजिटिव 110 वोल्ट में भी आपको शॉर्टिंग दिखा देते हैं। यह देखिए यहाँ पर यह नेगेटिव है पिन, तो नेगेटिव में हम पिन लगा दिए, और दोस्तों पॉजिटिव 110 वोल्ट यहाँ है,
आपको देखिए यहाँ पर है, तो इसको मैं देखिए दोस्तों शॉर्टिंग दिखाएगा, ये देखिए 110 वोल्ट में दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा है। अगर दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर में शॉर्ट रहेगा तो पावर भी दोस्तों आपका ड्रॉप कर जाएगा, 110 वोल्ट नहीं दिखाएगा। आपको पावर भी चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको वोल्टेज दिखा देते हैं। तो इसमें हम सप्लाई दे दिए और सप्लाई देने के बाद यहाँ पर न्यूट्रल और ये पॉजिटिव, तो देखिए दोस्तों हमारा सारा वोल्टेज ड्रॉपिंग दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट में शॉर्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में शॉर्ट है। तो दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको फिर वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर निकाल लिए हैं, यह दोस्तों हम लगाए थे इसमें 1803। चलिए आप नंबर देख लीजिए ध्यान से, देखिए दोस्तों यह इस ट्रांजिस्टर का नंबर है, ठीक है, MD 1803। अब चलिए दोस्तों हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दिए हैं, तो वोल्टेज हमारा बिल्कुल सब सही हो गया होगा, तब वोल्टेज आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों तब आपको विश्वास हो जाएगा कि यही शॉर्ट था। तो हम मीटर को 200 के रेंज में सेट कर दिए हैं। अब चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं, और जब हम इसमें सप्लाई दिए दोस्तों तो इसमें से जो कुटकुटाहट और गुरगुराहट की जो आवाज़ आ रहा था वह अब नहीं है। तो ये न्यूट्रल, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 110 वोल्ट, ये देखिए दोस्तों हम 111 वोल्ट यहाँ पर सही दिखा रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज, यह भी वोल्टेज सही है। फिर दोस्तों 11-12 वोल्ट यहाँ पर होगा, 10 वोल्ट यहाँ पर भी सही है। और दोस्तों ये देखिए साउंड सेक्शन की वोल्टेज, यह भी वोल्टेज हमारा दोस्तों सही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आपको साफ समझ में आया, हमारा पावर सप्लाई में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वोल्टेज भी हमारा दोस्तों ज़्यादा आउट नहीं कर रहा है। तो करेंगे हम यह कि ESD और PF दोनों दोस्तों न्यू लगा देते हैं, और साथ में दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर भी न्यू लगाएंगे। यह भी कौन कौन सा पार्ट लगाएंगे आप ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, आपको दिखाते हैं। जो हम यह निकाले थे PF, यह PF को भी दोस्तों न्यू लगाएंगे, यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर नया लगाएंगे, और दोस्तों ESD नया लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इस TV को 1-2 घंटे चलाकर देख लेंगे कि यह दोस्तों सही हुआ कि नहीं हुआ, कि फिर जल जाएगा। अगर दोस्तों हमारा इतना बदलने के बाद अगर सही हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा अगर फिर से यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर यह अगर ख़राब हो जाता है तो दोस्तों हमको यूक कॉइल बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों यूक कॉइल जल्दी मिलता नहीं है, कहीं से पुराना व्यवस्था करके हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम ESD और PF और हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर नया लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखिए हम इस TV का ESD और ये PF और ये ट्रांजिस्टर तीनों बदल दिए हैं, न्यू लगा दिए हैं। और दोस्तों यह चाइना किट है, इसमें देखिए दो ये IC है, 8873-6PR6 इसमें IC लगा हुआ है, सिस्टम IC है। तो दोस्तों इसमें जो ESD है 4014K है, तो 4014K हम न्यू ESD लगा दिए हैं। 1803 ट्रांजिस्टर शॉर्ट निकला था, यह शॉर्टेज है, इसको भी लगा दिए हैं। और यह हम PF आपको चेक करके दिखाए थे, यह PF दोस्तों सही था, लेकिन फिर भी दोस्तों हम इसमें न्यू लगा दिए हैं। और यह PF का नंबर है दोस्तों 912J 1600 वोल्ट, ठीक है। तो इसके जगह पर दोस्तों हम 822J 1600 वोल्ट PF लगा दिए हैं, ठीक है। ये दोनों PF दोस्तों, दोनों में से कोई भी PF इसमें लगा सकते हैं, चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप सबका नंबर दिखा देते हैं, तो ये नंबर देखिए ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 912J 1600 वोल्ट, ठीक है। ये तो होगा PF का नंबर, अब ESD का नंबर देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों 4014K, ठीक है। और एक दोस्तों ESD आता है 1010A, तो वो दोनों ESD दोस्तों सेम होता है, 4014K और 1010A दोनों ESD सेम है। तो दोस्तों अब TV स्टार्ट करके दिखा देते हैं, इसमें लाइट और पिक लाइट दोस्तों हमारे स्क्रीन पर आ गया है। जब ये भी कोड लगाएंगे तो इसमें दोस्तों पिक्चर भी आ जाएंगे। TV दोस्तों हमारा स्टार्ट हो चुका है, चलिए आप स्क्रीन देखिए, ये देख लीजिए दोस्तों, ये पूरी तरह दोस्तों ठीक हो चुका है। अब हम दोस्तों इसका वोल्टेज चेक करके थोड़ा दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए 110 वोल्ट, मेन हमारा 110 वोल्ट में ही प्रॉब्लम है। तो 111 वोल्ट ये बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा दोस्तों हम 110 वोल्ट से नीचे करते हैं, थोड़ा सा कम करेंगे। तो यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर प्रीसेट है, इसको दोस्तों हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो यह वोल्टेज थोड़ा सा डाउन होगा। तो एक हम पेचकस से घुमाते हैं, आप मीटर पर देख लीजिए,
देखिए दोस्तों 108.7 वोल्ट है। बस दोस्तों हम इतना ही करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हल्का डाउन किए हैं। अब दोस्तों यह जो टीवी था हमारा, इसका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर था, एक घंटे के बाद चलने पर यह जल जा रहा था, शॉर्ट कर जा रहा था। तो अब दोस्तों हम टीवी को एक घंटे चला के देखेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर अभी भी जल रहा है कि नहीं। अगर जल जाता है तो दोस्तों हमको ये कॉइल हर हालत में बदलना पड़ेगा। अगर ठीक हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो हम दोस्तों चला के देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको हम बताएंगे। पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस टीवी को हम डेढ़ घंटे से ज़्यादा चलाते हुए हो गया है और यह हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट नहीं किया है दोस्तों। पहले या एक घंटे के बाद दोस्तों, जैसे ही एक घंटा पूर्ण रहा था वैसे ही दोस्तों एक घंटा 10 मिनट या एक घंटा का 5 मिनट पहले ही दोस्तों यह शॉर्ट कर जा रहा था हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों अब यह शॉर्ट नहीं कर रहा है। और दोस्तों हम आपको वीडियो एक घंटे तक चला के नहीं दिखाएं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम वीडियो को कट कर दिए हैं। और दोस्तों यह बिल्कुल टीवी सही हो चुका है। आपका टीवी का आवाज़ भी दोस्तों मिल रहा होगा। टीवी दोस्तों अभी भी यह चल रहा है पूरी तरह पिक्चर के साथ। चलिए आपको एक बार पिक्चर दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका पिक्चर और साउंड दोनों क्लियर है और अच्छे तरह से यह चल रहा है। तो दोस्तों हमारा जो मेन प्रॉब्लम था इस पुराने वाले ESD में था, ठीक है। यही दोस्तों हमारा ESD खराब हो चुका था, इसी के चलते जो है दोस्तों हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है जो हीट होकर जल जा रहा था, शॉर्ट कर जा रहा था, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया है। अब यह टीवी दोस्तों नहीं जलेगा, हमको ये कॉइल बदलने की जरूरत नहीं पड़ा। दोस्तों चाइना टीवी में, चाइना किट में ज़्यादातर इस किस्म का प्रॉब्लम आता है और यह बहुत जल्दी जल्दी खराब भी होता है। तो दोस्तों अभी यह किट सही है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और दोस्तों कोई अगर किसी प्रकार के आपके कोई मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी दोस्तों कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।